मध्य प्रदेश के श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में बसाए गए नाम्बिया के 8 चीतों को जल्द ही उनके नाम मिलने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीतों के नामकरण के लिए चलाई गई ऑनलाइन प्रतियोगिता में देश भर के लोगों ने 11,000 से ज़्यादा नाम सुझाए हैं। वहीं चीता प्रोजेक्ट के लिए भी लोगों ने 18,000 से अधिक नाम ऑनलाइन सुझाए हैं। बताया गया है कि अब इन्हीं नामों से चीतों और चीता प्रोजेक्ट का नामकरण होगा। देश की धरा पर 70 साल बाद लौटे 8 चीतों को 17 सितंबर को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से आह्वान किया था कि इन चीतों के नाम सुझाएं और पारंपरिक नाम बताएं, साथ ही सबसे पहले चीता देखने का मौका पाएं। यही वजह है कि केंद्र सरकार के माय गवर्नमेंट पोर्टल पर 26 सितंबर से ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की गई जो 31 अक्टूबर तक चली। पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में देश भर के लोगों ने चीतों के नाम सुझाए और कुल 11,565 नाम दर्ज कराए गए। वहीं चीता प्रोजेक्ट के लिए भी मांगे गए नामों के लिए भी 18,221 नाम सुझाए गए हैं। आपको बता दें, माय गवर्नमेंट पोर्टल पर लोगों ने कई तरह के पारंपरिक नाम चीतों के सुझाए हैं, जिसमें मैं एक शख्स ने नर चीतों के नाम शिव, गणेश, विष्णु, ब्रह्मा और मादा चीतों के नाम पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गौरी, देवी रखने का सुझाव दिया है। वहीं कुछ लोगों ने नर चीतों के लिए कल्याण, अमृत, नाम्बी, सिंधु, रविंद्र, शिवा, आरंभ और मादा चीतों के लिए कावेरी, मन्नु, विंध्या, कोकिला, कश्मीरा, जयंती, वैशाखी और काली बताया है। वहीं ऑनलाइन प्रतियोगिता में चीता प्रोजेक्ट के लिए जो नाम सुझाए गए हैं उनमें प्रोजेक्ट अविनाश, मिशन रिटर्निंग चीता इन इंडिया, राष्ट्रीय चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट जैसे 18,000 से अधिक नाम शामिल है। आपको जानकारी के लिए बता दें, कुनो नेशनल पार्क श्योपुर के DFO प्रकाश कुमार वर्मा का कहना है कि ऑनलाइन प्रतियोगिता में 11,000 से ज़्यादा लोगों ने चीतों के नाम सुझाए हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद हमने भी होर्डिंग बैनर लगाकर पोर्टल पर चीतों के नाम सुझाने के लिए प्रचार प्रसार किया था। अब केंद्र सरकार की तरफ से ही चीतों के नामकरण का खुलासा किया जाएगा, हमें भी तभी जानकारी मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।